आज के समय का प्रवाह ही कुछ ऐसा है कि अधिकांश व्यक्तियों के मन पर, मस्तिष्क पर हस्त मैथुन और काम वासना ने अपना नियंत्रण बना लिया है। निरंतर गलत प्रकार के चित्र देखना, गलत प्रकार के संगत करना, गलत विचार करना, गलत प्रकार के संबंधों के प्रति आश्वस्त रहना या गलत प्रकार के संबंध बनाना, व्यक्ति इन्हीं सब चीजों में निरंतर लगा रहता है और इनमें ही वह सुख देखता है। उसे नहीं पता कि यह जो मार्ग है, यह निश्चित रूप से उसे पतन की ओर लेकर के जाता है। जो व्यक्ति इन विषयों के प्रति सजग है और ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित हो चुके हैं, उनके पास अवसर है। लेकिन आप समझे कि अधिकांश व्यक्ति अभी भी उसी मार्ग पर लगे हुए हैं। जो व्यक्ति उस मार्ग पर लगे हुए हैं, उन्हें भी एक समय के बाद बोध होगा और लगेगा कि यह मार्ग ठीक नहीं, लेकिन तब तक वह अपना काफी नुकसान कर चुके होंगे। जो व्यक्ति आज सजग है, वह भी अपना नुकसान कर चुके हैं, तो उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या जो हमने ब्रह्मचर्य हानि की है, उसकी भरपाई की जा सकती है। प्रश्न आता है कि कितने समय में उसकी भरपाई हो सकती है, किस प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न प्राप्त होते हैं। इन्हीं विषयों पर आज हम इस मार्गदर्शन के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई कितने दिन में होगी। इसे आप ऐसे समझें जैसे आपके घर में कुछ कपड़े होते हैं, कुछ बस ऐसे हैं जिनको आप धारण करते हैं। एक वस्त्र ऐसा है जिसका आप सफाई के लिए प्रयोग करते हैं, एक वस्त्र ऐसा है जिसको आप गंदगी साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, रसोई घर में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का एक वस्त्र है। अगर इन वस्त्रों को साफ करने की बात करते हैं तो क्या ये वस्त्र एक प्रयास से एक जैसे समय में साफ हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वस्त्र धारण करते हैं वह तो आसानी से साफ हो जाएगा, जिससे आप सफाई करते हैं उसे साफ करने में समय अधिक लगेगा, ऊर्जा भी अधिक लगेगी, और जो वस्त्र बहुत ज्यादा गंदा है उसे साफ करने में परिश्रम लगेगा, समय भी लगेगा, ऊर्जा भी लगेंगी, और विशेष प्रकार के डिटर्जेंट का भी आपको प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, हमारे पास अनेक प्रश्न आते हैं, अनेक बिंदु आते हैं कि हमने एक वर्ष तक निरंतर ब्रह्मचर्य का नाश किया। कुछ कहते हैं कि हमने एक महीने में एक बार नाश किया, कोई कहते हैं कि हमने रोज नाश किया ब्रह्मचर्य, कोई कहते हैं कि एक दिन में कई बार भी हमने ऐसी क्रियाएं की। तो क्या इन लोगों को जो हानि हुई है वह सामान्य स्तर पर हुई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को कम हानि होगी जिसने कम गलत किया है, और किसी को ज्यादा होगी जो ज्यादा इन गलत क्रियाओं में लगा रहा। क्या इनकी भरपाई जो होगी वह एक जैसे समय में हो सकती है? आपका भी यही उत्तर होगा कि एक जैसे समय में भरपाई नहीं हो सकती है। जिसने हानि ज्यादा की है उसको समय ज्यादा लगेगा, जिसने हानि ज्यादा की है उसे विशेष रूप से नियमों का पालन करना होगा, धैर्य रखना होगा। जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि मैंने कितनी गलत क्रियाएं की है, क्या मेरी स्थिति रही है, तो आपके मन में आभास होगा कि मैंने गलती ज्यादा की है तो मुझे समय भी ज्यादा लगेगा। तो आप ये समझिए कि अपना मूल्यांकन खुद आप कर सकते हैं। जैसे आपकी स्थिति रही उसी के अनुरूप आपको समय लगेगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि एक साल का अगर निष्ठा से पालन कोई करता है तो उसे अच्छे लाभ देखने को मिलते। जो संयम से चला है फिर भी कुछ उसे तो बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, जीवन बदला हुआ अनुभव होगा। लेकिन जो संयम से नहीं चला है, लाभ उसे भी मिलेंगे। अब यहां पर हमारा दूसरा बिंदु आता है। दूसरे बिंदु पर हमें यह प्रश्न मिलते हैं कि हमने एक तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उससे ज्यादा भी किया, लेकिन हमें लाभ देखने को नहीं मिले, इसका क्या कारण है? यह प्रश्न जो है इसका उत्तर आप ऐसे समझें कि आपके हाथ में चोट लग जाती है। आप डॉक्टर से पूछते हैं कि इस चोट के ठीक होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर आपको बताता है कि इसे ठीक होने में एक महीने का समय लगेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उस चोट की जहां पर घाव हुआ है उसकी सफाई नहीं रखते हैं, उस पर मक्खियां बैठा रहे हैं, बैक्टीरिया वहां पर फैल रहे हैं, साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, और उसे आप बीच बीच में कुरेद भी रहे तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा? वहां से दोबारा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और जितनी आपको वो चोट लगी थी उससे और ज्यादा वो बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार से आप समझे, जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आगे बता है तो जिस प्रकार से उस चोट को साफ रखने की जरूरत है, इसी प्रकार से उसे अपने मन को साफ रखने की जरूरत है। जिस प्रकार से वो उस चोट को कुरेद देगा तो उससे खून निकलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप अपने मन को छूट देंगे तो जो आपके मन में गलत संस्कार, गलत विचार पहले से बैठे हैं, स्मृतियां बैठी हुई है, वो वापस से आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी।
और जब इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का विचार बने रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा है उसका उद्भवन होता है, और जब ऊर्जा का अभाव होना शुरू हो जाता है तो समझें भले ही आप कोई क्रिया ना करें, आपकी कोई क्रिया ना करने के बावजूद भी शरीर से बाहर जाने का माध्यम ढूंढ ही लेगा, क्योंकि आपके विचार गंदे हैं। आपकी जो सद्बुद्धि है वो उन्हीं विचारों में बनी हुई है जो क्रियाएं आपने पहले की है। ऐसी स्थिति में आपको ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं कहा जा सकता था। हाँ, अगर आपके मन में विचार आया और आपने प्रयासपूर्वक संकल्प से प्रभु के नाम से उसे वहीं का वहीं समाप्त करने की कोशिश की, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उन गलत विचारों में आप सुख नहीं ले रहे हैं, रस नहीं ले रहे हैं, तो कहेंगे कि आप साधक हैं, आप साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन विचारों में देख रहे हैं तो अब मैं कहूंगा कि आप ब्रह्मचर्य में नहीं हैं, आप केवल दिखावा कर रहे हैं। तो जो दूसरा हमारा बिंदु है, ब्रह्मचर्य का फायदा क्यों नहीं मिला? ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य का फायदा नहीं मिलता है जो क्रिया को रोकते हैं लेकिन चिंतन नहीं रोकते, और बार बार विचारों को कुरेद कर उन्हें दोबारा से उत्पन्न नहीं करना है। अपने प्रश्न पर आप समझे कि जो आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें प्रचारित की जाती है कि ब्रह्मचर्य नाश से कुछ नहीं होगा, यह तो स्वाभाविक है। अगर नहीं करेंगे तो स्वतः हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हानि हो जाएगी। सारी मूर्खतापूर्ण बातें छोड़ करके अपने सिद्धांतों पर लौटना होगा। अगर अपने सिद्धांतों पर नहीं लौट रहे हैं तो ब्रह्मचर्य को छोड़ दें, फिर आप कुछ समय तक संकल्प कर लेंगे। अगर आपने महीना दो महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, उससे कोई विशेष लाभ आपको मिलने वाले नहीं है। आप जबरदस्ती किसी क्रिया को रोकेंगे तो फिर से जब आप क्रिया में संलग्न होंगे तो ज्यादा वेग से संलग्न होंगे, और जो आप सोच रहे हैं कि मैंने दो महीने का भी ब्रह्मचर्य पालन किया, इससे जितना लाभ नहीं होगा इससे अधिक आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो आपने विचारों का दमन किया है वह आपको और परेशान करेगा। दमन नहीं करना है, सहज मोड़ना है, और मोड़ने के साधन कहाँ है? वो इस सनातन संस्कृति में है तो संस्कृति से तो जुड़ना ही होगा। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, अब इस विषय को भी एकाग्रता पूर्वक समझे, इस पर हमने पहले भी संकेत किया है। हमारे शरीर में सात धातु होते हैं। सबसे पहला होता है रस, जो कि हमारे भोजन का रस के रूप में अवशोषण होता है। दूसरा होता है रक्त यानी कि ब्लड। तीसरा होता है मांस यानी कि मांसपेशियां। उसके बाद होता है मेद यानी कि फैट। फिर उसके बाद होता है मज्जा, बोन मैरो। और यहां तक अगर आप विज्ञान से पूछते हैं कि क्या रक्त की आवश्यकता है, शरीर को चलने के लिए कहेंगे कि हाँ भाई, रक्त आवश्यकता है, ब्लड के बिना तो नहीं चलेगा शरीर। अगर आप रोज अपने रक्त को बहाएंगे तो क्या वो ठीक है? इसी प्रकार से अगर आप रोज जो आपके शरीर में है उसका खंडन करते रहेंगे, उसको बहाते रहेंगे, क्या ठीक है? आपको अपना दिमाग लगाना होगा। जितनी ये धातु आगे की ओर बढ़ते हैं उतने ही सूक्ष्म होते हैं, उतने ही ज्यादा जरूरी होते जाते हैं, और जो आपका अंतिम धातु है जिसे शुक्राणु कहा गया है वह सर्वाधिक उपयोगी है। अगर उस जीवनी शक्ति को आप शरीर से बाहर करते हैं तो आप फिर कुछ भी कर लें, आपकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होगी, आपके विचार उतने विकसित नहीं होंगे, आध्यात्मिक प्रगति कुछ भी नहीं होगी, भावनात्मक तल पर आप गिरते हुए चले जाएंगे, आप निरंतर निराशा, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते चले जाएंगे। और समझिए, अगर आपने उस ऊर्जा को खो दिया जो ऊर्जा आपको विशेष बनाती है, मनुष्य बनाती है, तो समझिए आपके फिर तो पशुवत ही जीवन हो जाता है। और जो दूसरे प्रभाव है उसकी तरफ हम क्या बात करें, क्योंकि वह आप अनुभव कर चुके हैं, जो आपके चेहरे पर आपकी बल की कमी, आपके वाणी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है, उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे, वह आपको पता ही है। तो इस बात को सजगता पूर्वक अपने मन में बैठा लेना कि जो हमारे सिद्धांत है वहां पर जो बताया गया है उसके अनुसार चलना है मुझे, और वही मेरे लिए कल्याणकारी है, तो आपके लिए मार्ग खुल जाएगा। अब ये आपके लिए मार्ग खुला है और आपको निष्ठा हो गई है ब्रह्मचर्य की तरफ। अब हमारा अंतिम बिंदु आ जाता है, वह होता है संकल्प। हम एक बड़ी जो भूल करते हैं, मैं उसके विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमें बहुत सारे कमेंट प्राप्त होते हैं कि हम एक साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम दो साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि एक साल तक ही क्यों? आपने अभी से अपने मन में यह बिठा लिया है कि बस एक साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, फिर तो मैं ब्रह्मचर्य से बाहर हो जाऊंगा, फिर तो मैं मन में आचरण करूंगा जो ये अपने मन को ढील दी है कि एक साल के बाद मैं यह सब करूंगा। आपका मन आपको किसी ना किसी तरीके से राजी कर लेगा कि एक साल की क्या बात है, अभी करें। यानी कि अगर आप एक साल का संकल्प कर रहे हैं तो आप डील छोड़ दिए, संभावना छोड़ दी कि करना तो है,
कि बस ये एक साल पूरा हो जाए फिर करूंगा। ये जो दृष्टिकोण है ये ठीक नहीं है, ये ब्रह्मचर्य की स्थिति नहीं है जिसको ठीक से समझ आ गया है। वो तो ये कहे कि बस अब तक जो हानि हुई वो हो गई, अब आगे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जब तक मेरा विवाह नहीं होता है, जब तक मैं विधान में नहीं आता हूं, गृहस्थ जीवन में नहीं आता हूं, तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और उसके बाद भी मैं संयम से जो हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है उसके अनुसार ही चलूंगा। अगर इस प्रकार का किसी व्यक्ति का संकल्प है तो समझें कि ठीक संकल्प है, अन्यथा ठीक संकल्प नहीं है। जो कहते हैं एक महीना, दो महीना, तीन महीना, साल भर, दो साल, यह उचित नहीं है, क्योंकि आपने मन को ढील दी हुई है कि बस यह पूरा हो जाए फिर करूंगा, तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि इन विषयों में कोई सुख नहीं है। जब तक इसमें आप सुख मानेंगे तब तक आपको यह खींचता रहेगा। आपको अगर इतना समझ में आ जाता है और ठीक प्रकार का आचरण करने लगते हैं तो अब ब्रह्मचर्य से भरपाई करना और अब स्थितियों को ठीक करना दूर नहीं है। एक वर्ष में लाभ दिखेंगे। जो दूसरा हमारा नियम है कि मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो गलत प्रकार की भ्रांतियां हैं उनसे दूर होना है, और जो संकल्प करना है वह ठीक संकल्प करना है। ठीक संकल्प ये नहीं कि इतने समय तक, ठीक संकल्प यह है कि जब तक गृहस्थ जीवन में नहीं जाता, या अगर गृहस्थ जीवन में नहीं जा रहा हो तो आजीवन का संकल्प कर सकता है। आगे हम साधन बताएंगे कि किस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और कभी कोई बाधा भी आपको विशेष अनुभव नहीं होगी। संभव है, हम आगे इस पर बात करेंगे। अगर इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने इस विषय को रख सकते हैं, तो हम भविष्य में इस विषय पर विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।